हरे कृष्णा राधे राधे। यज के श्याम श्रृंगार में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं ठाकुर जी को पग बांधना बताऊंगा। आज की जो मेरी पग है वो थोड़ा जो मैंने पिछले वीडियो में भी एक पग बांधना बताया था वो एक डिफरेंट वे में थी, वो मैंने लेसेस से बांधी थी। और आज वाली जो है वो मैं क्लॉथ वगैरह यूज़ करके उनको टर्बन आज मैं बांधने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट हम उन्हें वस्त्र पहना देंगे, उनको नहला के, उनको स्नान करा के, और उनको अलंकार, उनकी जो ज्वेलरी होती है वो पहना देंगे। एंड जो भी हमने बनाए थे फर्स्ट, मैंने इसके पहले दो वीडियोस अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बताया है कि ये जो वीडियो में हम जो यूज़ करने वाले हैं सारे अटैचमेंट्स और जो क्लोथ वगैरह उसका कैसे बनाते हैं वो मैं पूरे बेसिक अटैचमेंट, उसके जो ब्रोचेस वगैरह है वो भी मैंने बताया है। आई होप कि आप वो भी वीडियो देखेंगे, और वो अगर आप वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको ये पग बांधने वाला समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैंने ये वाला जो हमारा क्लॉथ जो था वो लेना है, और मैंने यहाँ पे उसके उसके ऊपर धागा बांधा है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी चोटी बना ली है मैंने, तीन इसके लिए हुए तीन कलर। ठीक है, और उसकी मैंने चोटी बनाई है यहाँ पे रेड येलो एंड गोल्डन कलर का लेके। मुझे यहाँ पे ठाकुर जी के जो यहाँ पे उनका होता है इसके यहाँ पे इस तरीके से रख के पीछे से इस तरीके से लेना है। तो ये जो मेरी ऊपर की जो पीछे साइड की उंगलियां है उससे मैं सपोर्ट देते हुए दो तीन उंगलियों से, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर से इसे इस तरीके से, मैं यहाँ पे टेढ़ा नहीं लूंगा, थोड़ा सीधा एकदम टोन में, ठीक है, इस तरीके से पीछे से उंगलियों से सपोर्ट देते हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से लूंगा, और बाद में ऊपर साइड से इस तरीके से। देखिए बहुत सिंपल है बांधना। ठीक है, देखिए मेरे पग बन गई। अब यहाँ पे मुझे ऑल पिन से पीछे सेट करना है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑल पिन यूज करते हैं तो वो सिर्फ क्लॉथ में बैठ जाए, ठाकुर जी के सर पे ना लगे, ठीक है, हार्म ना पहुंचाए। एक ऑल पिन से अगर नहीं टाइट होता है तो सेकंड ऑल पिन उसी बाजू में मैंने यहाँ पे क्लॉथ में ही लगाना है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एक दो ऑल पिन लगा दी। देखिए हमारे लड्डू गोपाल ऐसे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। आप चाहे तो उनका श्रृंगार इसी तरीके से कर सकते हैं, विदाउट एनी कलगिया लगाए या फिर कोई अटैचमेंट बगैर लगाए, आप ऐसे भी उन्हें ऐसे भी उनकी पग बना सकते हैं। बट मैं कलगिया लगाऊंगा। कलगिया लगाते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो पिंच होती है ऑल पिंच, वो लड्डू को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाए, वो एकदम से कपड़े के अंदर फिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पे कुछ कलगिया है वो भी मैंने बनानी बताई है वीडियो में, आप वो यूज कीजिए, या फिर आप ऐसा ही उसका लुक रखेंगे तो भी अच्छा दिखेगा। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो रेड वाली कलगी इस तरीके से एकदम, हमें जो पिंस जो होती है उसका एक ख्याल रखना होता है कि हम क्लॉथ में ही उसको डाले पिंस को। ठीक है, तो ये मैंने पीछे साइड से लगाया, ये थोड़ा आगे साइड से मैं यहीं पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसका लुक आता है। और एक मैं जो मेरी गोल्डन कलर की जो कलगी थी वो यूज करूंगा छोटी वाली, ये मैंने लेस से बनाई हुई है, कुछ इस तरीके से इसको भी मैंने कपड़े के अंदर ही फिट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ठाकुर जी। इसके बाद मोर पंख लेके मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से क्लॉथ के बीच में फिट करूंगा।
कि कुछ इस तरीके से मैंने मोर पंख के अटैचमेंट को भी फिक्स कर दिया। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर मोर पंख का जो अटैचमेंट बनाया था वो भी लगा दिया है, ये वाला जो पिंक कलर का वो भी लगाया है, और जो ये मैंने जो फ्लावर्स वाले बनाए हैं वो मैंने जस्ट चिपकाए हैं उसके ऊपर ब्लू टैग से। सो अभी मैं उनको उनकी इयररिंग्स पहना देता हूँ इस तरीके से। देखिए, और उनकी जो तिलक आते हैं वो तिलक मैं तिलक जो होते हैं उनका तिलक मैं उनको लगा दूंगा इस तरीके से। देखिए हमारे ठाकुर जी को हम उनके हाथों में बंसी दे देते हैं। देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस भी इतनी ही अच्छी तरीके से देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, या फिर कोई भी इस वीडियो के बारे में आपके पास कोई भी ये हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।